हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम सो के उठे हैं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम हो गया है और आज बहुत लेट हो गया है। 10:30 बजे मैं सो के उठी हूँ। उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना था, तो मैंने क्या किया है, रात में मैंने भिंडी कट करके रखी थी और भिंडी मैंने सोचा सीधा खाना बना देते हैं क्योंकि इतना लेट हो गया है ना। और सो मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, दाल चावल रोटी, और क्योंकि अब यदि नाश्ता बनाने लगूँ तो 1 बजे तक नाश्ता ही चलेगा, ब्रेकफास्ट ही चलेगा, उसके बाद कब खाना बनाऊँगी, कब खाऊँगी। सो मैंने सोचा सीधा खाना बना देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी, और मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊँ, भिंडी को यदि आप खोल के पकाएंगे ना, कढ़ाई में हम लोग ढक देते हैं ना कोई भी सब्जी और फिर पकाते हैं, लेकिन अगर भिंडी को आप खोल के पकाएंगे ना तो उसका जो ग्रीन है ना वो नहीं जाएगा, भिंडी का थोड़ा सा कलर वैसा हो जाता है ना अगर ढक के पकाते हैं तो भिंडी को एक खोल के पकाइए, बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा खोल के पकाती हूँ और मैं अधिकतर सब्जी लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ, और कोई कढ़ाई स्टील की मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अधिकतर मुझे लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है कोई भी सब्जी बनाने में, और मेरे यहाँ छोटी सी भी है सो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। अब भी देखते हैं, शाइन सो रहा है अभी तक, अभी भी नहीं उठा है क्योंकि आजकल ना वो पता नहीं क्यों इतना लेट सोने लगा है ना, कल 2:30 बजे सोया रात को, तो पता नहीं क्यों इतना लेट सोने लगा है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई है, कुछ भी कर लो सोता ही नहीं है, और अभी देखो अभी सोया पड़ा हुआ है, उठ ही नहीं रहा है। इतना कोने में चला गया है सोते सोते कि ऐसा लग रहा है गिर ही जाएगा, मैंने इतना कुछ लगा दिया है, प्लो ब्लो पता नहीं, बट वो कोने में चला जा रहा है और उठ नहीं रहा है। मैं 3-4 बार उसको उठा चुकी हूँ कि शाइन उठ जा बेटा, 11 बजने वाला है और वो उठ नहीं रहा है, कह रहा है नहीं आई एम फीलिंग स्लीपी। बहुत आजकल उसका टाइम बहुत बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, रात को 2:30-3:30 बजे तक उसे नींद ही नहीं आती। हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी, तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ सुलाते सुलाते, लेकिन वो सोता ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो फिर मैं खाना बना लूँ अपना, और उसके बाद मैंने अभी नहाया भी नहीं है, नहीं तो मैं अधिकतर नहाने के बाद पूजा करने के बाद खाना बनाती थी, बट आज इतना टाइम मिला ही नहीं, बहुत जल्दी मैंने सोचा आशु तो सुबह से उठे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का, वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, और मैं अपना ना रात में, लेकिन किचन का काम मैं रात में ख़त्म करके ही सोती हूँ, चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए 4 बज जाए, लेकिन मैं किचन में कोई भी काम नहीं छोड़ती, जैसे बर्तन वर्तन कुछ लोग छोड़ देते ना कि सुबह कर लेंगे, बट मैं नहीं छोड़ती, मैं किचन का पूरा काम कंप्लीट करके ही सोऊंगी, मुझे नींद ही नहीं आती अगर मेरी किचन का काम कंप्लीट नहीं होगा तो, यदि दो तीन बर्तन भी पड़े होंगे ना तो मुझे नींद नहीं आएगी रात को, क्योंकि मुझे लगता है सुबह उठ के फिर करना है। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई और आके करेगा, तो मुझे ही करना है, तो मुझे लगता है सुबह फिर मुझे करना पड़ेगा, इसलिए यार रात को ही करके ख़त्म करो, जिससे सुबह उठेंगे तो किचन बिल्कुल साफ़ मिलेगी, और पता है रात को यदि बर्तन वर्तन रख दो ना दिक्कत होती है, कीड़े भी आ जाते हैं लोगों के घर में, मैंने देखा है रात को बोलो क्या करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं और सुबह धोएंगे कहते हैं, और कीड़े कीड़े रहते हैं, कॉकरोच वॉकरोच आ जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में एक भी कॉकरोच नहीं मिलेंगे, एक भी का मतलब हाँ एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं कभी भी रात को अगर बर्तन बर्तन नहीं रखती, रात को मैं किचन साफ करके ही सोऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा किचन में सब सो जाते हैं और मैं धीरे से आती हूँ किचन अपना साफ करके ही सोती हूँ। कभी कभी ना बहुत जल्दी ये लोग सो जाते हैं, आशी और शाइन, बट आशी गुस्सा करते हैं कि किचन का काम बाद में कर लेना, सो जा, मैं नहीं सोती, मैं कहती मुझे नींद ही नहीं आती, जब तक किचन का काम कम्प्लीट हो जाता है उसके बाद मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, वैसे नींद नहीं आती। सो अभी मैं खाना बना लूँ पहले, आज पता नहीं क्यों थका सा अजीब सा लग रहा है, कभी कभी होता है मन नहीं करता है कुछ करने का, बट काम तो जो है वो तो करना ही पड़ेगा, खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा, सो बना लेते हैं। शाइन की भी अलग अलग फरमाइशें चलती हैं आजकल की, ये नहीं खाना वो खाना है,
पता नहीं इसका क्या है, आजकल वो देखता रहता है ना टीवी में भी देख लेता है कि यार ये भी बनता है ये भी बनता है। कल कह रहा था मम्मा कुछ नहीं डिफरेंट बनाना कल, अब पता नहीं शाम को बोलता है वो, जैसे शाम को सो के उठता है ना तब उसको यादें आती हैं कि मम्मा आज ये खाना है वो खाना है, पता नहीं क्या क्या याद आती है। अभी मैं खाना बना लूँ, मेरी भिंडी चढ़ी हुई है, उसके बाद दाल चावल भी डालना है। बाय बाय, मिलते हैं इवनिंग में, मिलती हूँ मैं आप लोगों से इवनिंग में, क्या अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि काम तो बहुत फैला है घर में, थक गए मैं तो। मैं क्या करती हूँ ना, सुबह सुबह जो लोग झाड़ू पोछा लगाते हैं अच्छी बात है, बट मुझे इतना टाइम होता नहीं है तो मैं सुबह नहीं लगाती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब कर लेती हूँ वो काम, लेकिन मैं सुबह नहीं करती झाड़ू पोछा। ये वहाँ मंदिर का वहाँ साफ़ कर लेते हैं बस, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है कि सुबह झाड़ू पोछा भी करने बैठ जाओ। अभी मैं अपना खाना बना लूँ पहले। सो ये देखिए भिंडी की सब्जी बन गई है मेरी, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने और दाल डालने, अभी मैंने दाल भी नहीं बनाई है। और ये देखो शाइनी रात में खिलौने खिलाए थे। सो ये देखो रात में शाइनी खेल रहा था डोमिनोज से और कह रहा था हमारे ऐसे ही पड़े रहने देना, सुबह तक हटाना मत। और ये मैंने मलाई को, ये मेरे पास मलाई बहुत सारी हो गई थी, सो आज मैं बनाऊंगी घी और मलाई। एक महीने से, मतलब एक महीने नहीं, हाँ 20 दिन की मलाई है ये, बहुत सारी हो गई थी और सो मैं आज बनाने वाली हूँ घी, बट अभी नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल खाना बना लूँ। सो फिलहाल तो खाना बना लूँ, उसके बाद कुछ काम करेंगे, पहले तो नहाना है। बहुत अजीब लगता है जब मैं बिना नहाए खाना बनाती हूँ, बट जल्दी हो जाता है थोड़ा सा, बस यही है। सो शाइन उठ गया है, अभी मैं दिखाती हूँ क्या करता है ये उठ के बाद, उठने के बाद। हाँ शाइन वेक अप बेटा। हाँ पता है आपको 11 o'clock हो गया है। हाँ यू वॉन्ट टू स्लीप मोर। ये देखो ये कुछ ऐसे सोता है शाइनी। ये शाइनी से गुड मॉर्निंग मम्मा। इसको उठने के बाद ना सिर्फ मम्मा ही चाहिए होती है, इसकी आदत है। अगर ये सो के उठा है चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मम्मा। मम्मा नहीं मिली ना तो ये बहुत गुस्सा करता है, यदि इसके पापा गलती से आ गए तो उनको भी गुस्सा कर देता है, क्योंकि सिर्फ मम्मा चाहिए होती है। पता नहीं ऐसे अब चिपक के सोता रहेगा शाइन बेबी। ये बेबी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वो बस ऐसे ही सोता रहेगा। हाँ बेबी से गुड मॉर्निंग टू मम्मा, इतना स्लो बोल रहा है गुड मॉर्निंग से। हाँ बेबी आप आजकल इतना लेट क्यों सोते हो भैया, जल्दी सो जाया करो, तो जल्दी उठ जाओगे। अब देखो 11 o'clock हो गया है, पता है अभी भी आप नहीं उठ रहे हो शाइन। 12 o'clock पे भी कब हो गए हो, तो मम्मा जाए फिर। ओके स्लीप मम्मा गोइंग देन। ओके अभी ऐसे ऐसे सोता रहेगा शाइनी। गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। Feeling sleepy? Huh? Chal, let's go. Come, beta. Do pee pee. First, do. Let's go, na. Huh? Eyes closed, shiny. तुम्हारे डोमिनोज वहाँ पड़े हैं, तुम कह रहे थे ना कि मत मम्मा फिल मत करना, तो मम्मा ने नहीं किया, चलो खेल लो, अगर खेलना है तो खेलो नहीं तो फिल करो उसमें बॉक्स में। ओके गो। वेट वेट सारा नीचे गिरा दिया, देखो ब्लैंकेट भी नीचे गिर गया है शाइन, और क्या कहते हैं पिलो भी नीचे गिरा दी। हाँ मेरे हेयर्स कैसे हो गए अजीब से, एसी चलता है ना तो शाइन को ठंडी लगती है रात को, उसको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं शाइन। सब कुछ मेरे हेयर्स बहुत बहुत झड़ रहा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ हेयर्स से, पता नहीं
कम बेटा कम। मैंने जो शैन पैदा होने वाला था तो इतने सारे फोटोज लगाए थे और ये अभी तक नहीं निकाले। सेट बेटा, डू पी पी फर्स्ट। लाइट ऑन करते हैं, अभी तक लाइट ऑन नहीं किया है क्योंकि शैन सो रहा था ना। मम्मा आ रही है बेटा, वेट। किससे होती है लाइट ऑन, मुझे खुद ही नहीं पता अब। हमें ये देखो, शाइन भी अपने डोमिनोज से खेलेगा। शाइन कैसे खेल रहे हो? अरे वाह, ये लगा लेता है क्या बेबी हमारे? हाँ बेटा, आमंड एंड मिल्क। फर्स्ट डू ब्रश, ब्रश नहीं किया है अभी शाइन ने ना। सो मैं नहा के आ गई हूँ और वही अपना पुराना वाला टॉप, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, सो मैंने वही पहना है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना निकालने, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है किसी ने, तो मैंने शाइन का खाना अभी निकाल लिया है लंच। और शाइन को बुलाते हैं क्योंकि शाइन देख रहा है ब्लिपी, टीवी देख रहा है वो। अब उसका टीवी ऑफ करवाते हैं, फिर उसको लंच कराएंगे, क्योंकि हमेशा उसकी जब भी वो लंच करता है तो टीवी भी कोई नहीं दिखा सकते हम, या तो फिर मैं लंच ही नहीं देती। अगर वो मना करेगा कि टीवी ऑफ नहीं करेंगे तो मैं कहती नहीं ठीक है कोई बात नहीं, फिर आप लंच मत करो। सो मैंने लंच निकाल दिया है, ये देखो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो ये है शाइन का लंच, और शाइन को भिंडी बहुत पसंद है। शाइन बोलता है ओकरा, हाँ अब ओकरा बोलने लगे, पहले लेडी फिंगर बोलते थे ना, तो अब ओकरा बोलने लगे हैं ये। और ये क्या कहते हैं, कर्ड। कर्ड शाइन को बहुत ज़्यादा पसंद है। कर्ड तो इतना नहीं खाता है, इससे और भी ले लेता है बाद में। और ये शाइन ये लंच ना प्रॉपर तरीके से, मैं तो आपको डेली बता देती हूँ कि मैं लंच ऐसे खिलाती हूँ, बट मैं शाइन को लंच में सब कुछ देती हूँ। जैसे हम लोग अपनी प्लेट लगाते हैं, सो मैं वैसे ही शाइन की लगाती हूँ। सो अब मैं जाती हूँ उसको खाना खिला देती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा नॉर्मल रूटीन था, ऐसा कुछ खास डे तो नहीं है, और जब होता है तो शेयर कर ही देते हैं, बट ऐसा कोई खास डे नहीं है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यदि मेरे कपड़ों वपड़ों पर मेकअप पर मत जाया करो, क्योंकि मैं मेकअप नहीं करती, मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। आप देख सकते हैं मेरी डेली के ब्लॉग देख सकते हैं, मैं मेकअप पे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है कह सकते हैं। घर में जब मैं कहीं बाहर घूमने घूमने में भी नहीं करती मैं, जब कहीं शादी पार्टी होती है तब मैं मेकअप करती हूँ, वो भी बहुत कम। मेरे पास मेकअप का सामान है ही नहीं मैं, क्योंकि ज़्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं है। हाँ थोड़ा सा मेरे पास लिपस्टिक और नेल पेंट, बहुत थोड़ा सा नहीं है, कुछ ज़्यादा है, बट मैं वो भी कभी नहीं लगाती। आप देख सकते हैं मेरे नेल्स वाइट रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है, ये देखो, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मेकअप घर पे क्या करूँ, क्या करूँ मेकअप करके, फालतू में स्किन और ख़राब करनी है। सो मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती, और नेल पेंट मैं इसलिए नहीं लगाती कि जब मैं खाना बनाती हूँ ना, सो मुझे लगता है कि कुछ खाने में वो ना हो जाए। और पहले तो हम दोनों खाना खाते थे तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी, बट अब शाइन के लिए मुझे बहुत टेंशन रहती है। मैं उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं देती हूँ, चाहे मुझे भले ही प्रॉब्लम हो जाए, बट मैं कोई चीज़ नहीं देती हूँ कि जिससे उसको प्रॉब्लम हो। मुझे लगता है मैं जब रोटियाँ बनाती हूँ थोड़ा बहुत नेल पेंट ना आ जाए, थोड़ा बस मैं ये डरती रहती हूँ, इसलिए मैं नेल पेंट लगाती नहीं, लगाती भी हूँ तो एक हाथ में कभी कभी बहुत, मेरे नेल्स भी बहुत छोटे रहते हैं, ये देखो मैं नेल्स भी बड़े नहीं रखती, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, मुझे नेल्स बड़े रखना पसंद ही नहीं है। शी पहले मैं शादी के पहले सोचती थी कि नेल्स बड़े, पर ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। मेरे नेल्स कभी भी बहुत बड़े नहीं रहे, लोग जो बहुत बड़े रखते हैं ना कभी नहीं रहे, मुझे पसंद नहीं आया। जब वो अगर बाई चांस वो गंदे से दिखते हैं ना, तो फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं वो ब्लैक ब्लैक से। मुझे नेल्स बिल्कुल छोटे छोटे से पसंद हैं, जो वाइट रहे। और मुझे अगर नेल पेंट में भी लगाती हूँ ना, तो या तो प्रॉपर लगी हो या फिर बिल्कुल ना लगी हो, मुझे जो बीच वाली नेल पेंट होती है ना वो उखड़ जाती है, वो नहीं अच्छी लगती। या तो प्रॉपर लगी हो नेल पेंट तो अच्छी लगती है, या फिर बिल्कुल ना हो तो अच्छी लगती है, क्योंकि वाइट नेल सच में अच्छे लगते हैं, ये देखो। सो अब मैं जाती हूँ खाना बना देती हूँ, खाना खिला देती हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं जब बातें करने लग जाती हूँ ना तो भूल जाती हूँ कि वीडियो ख़त्म भी करना है, क्योंकि लंबा हो जाता है। सो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।